लिखी हुई शिला सारे लोग लेके आते थे, उसका पूजन करने के बाद यहाँ वो सारी शिलाएं भेजी गई थी, शायद यहाँ पे होगी वो शिलाएं। तो जैसे वो एक शिला थी, एक 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 शिला बनकर लेकर वो मंदिर बनेगा। हमारे मराठी में एक कहावत है, फूल ना फुलाची पाखड़ी। तो वैसे मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं सरकार की ओर से नहीं, लेकिन हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूं। और मैं विनती करता हूं बड़े विनम्रता के साथ, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ट्रस्ट के जितने सारे महानुभव हैं, उनको विनती करता हूं कि ये हम राम भक्त इस मंदिर निर्माण के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, उसका वो स्वीकार करें। और मैं मेरे महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहां के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, कल परसों ही कल ही मेरी बात हुई, उनको भी मैं विनती करता हूं कि मंदिर तो जरूर बनेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे, वो तो बात अलग है, राम भक्त मंदिर बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से काफी सारे राम भक्त यहां जब भी आएंगे तो उनको रहने के लिए मैं योगी जी को एक विनती करता हूं कि अगर वो यहां एक जगह हमें दे दे तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र भवन का भी निर्माण हम यहां करेंगे। ये मंदिर तो सबके लिए रहेगा और मंदिर तो ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये मंदिर कैसा है, कैसे बन गया, वो देखने के लिए आए, ऐसी मेरी इच्छा है। और जैसे मैंने पहली बार आपके साथ बात शुरू करते हुए कहा था कि तीसरी बार मैं यहां आया हूं और हर वक्त जब भी मैं आता हूं कुछ ना कुछ प्रभु रामचंद्र की कृपा से कामयाबी साथ लेकर आता हूं, कामयाब होकर आता हूं। तो ये मुझे मौका बार बार मिलते रहे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। कसं बघायचं, सगळं दिसते तसं बघायचं, त्याच्यात काय वेगळं, आणखी वेगळं बघण्याचा काय प्रयत्न करू नका, जे दिसते तेवढं बघा। महाविकास आघाडी सोबत तुम्ही या ठिकाणी सरकार स्थापन केलेलं आहे, हॅज बिकम प्रोग्रेसिव्हली मोर इनसिक्युअर अँड अनप्रोटेक्टेड ड्युरिंग पास्ट 70 डेज सिन्स द बॉम्बिंग ऑफ